Hello student, today we see the next topic, that is the operating cycle in PLC. Okay, PLC scanning cycle. Okay, so see, this is the diagram for operating cycle of PLC. In this, the self test, then it is input scan, program scan, then output scan. Okay, so this one by one will be explained in detail. Okay, first we see the, that is the introduction, the four status of the operating cycle, that is self test, input scan, program scan and output scan. Okay, four jo hai aapke kya hai operating cycle ke status hai. First hai self test, input scan, program scan and output scan. Aise char aapke kya hai operating cycle ke स्टेटस है. ओके, उसके बाद में देखो द लोडेड प्रोग्राम केप्ड इन अ मेमोरी ऑफ पीएलसी एंड एवरी टाइम द प्रोग्राम विल स्कैन बाय पीएलसी. क्या होता है, जो लोडेड प्रोग्राम है वो किस में रहता है, मेमोरी में रहता है पीएलसी के, एंड एवरी टाइम प्रोग्राम विल बी स्कैन बाय पीएलसी. हर टाइम क्या होता है, प्रोग्राम जो है स्कैन होता है पीएलसी से. ओके, देन व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इन द कंट्रोलर, जब क्या होता है प्रोग्राम कंट्रोलर में लोड होता है तब कंट्रोलर क्या करता है, एंड कंट्रोलर इज इन रन मोड द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी इनिशिएटेड और स्टार्टेड. ओके, ऑपरेटिंग साइकिल कब स्टार्ट होगी, जब प्रोग्राम क्या होगा आपका कंट्रोलर में लोड होगा और कंट्रोलर क्या रहेगा इन रन मोड में रहेगा, तभी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो क्या होगी, स्टार्ट होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. ओके, सी द नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट वन, इट इज द सेल्फ टेस्ट. ओके, इन दिस वी सी द फर्स्ट पॉइंट दैट व्हेन पीएलसी टर्न ऑन फर्स्ट टाइम पीएलसी विल चेक इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनी फॉल्ट्स नोन एज अ सेल्फ स्कैन. ओके, सेल्फ स्कैन में क्या होता है, सबसे पहले पीएलसी क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, और वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं. ये सब किस में होता है, सेल्फ स्कैन में होता है. ओके, सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टू इंश्योर दैट द पीएलसी फंक्शन आर प्रॉब्लम फ्री. ओके, सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, जो भी टेस्टिंग होती है उसके वजह से आपको पता चलता है कि पीएलसी फंक्शंस क्या है आपके प्रॉब्लम फ्री है, मीन्स उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो है इनपुट स्कैन. ओके, अभी इनपुट स्कैन में देखो क्या है, पीएलसी विल चेक द स्टेटस ऑफ ऑल इनपुट्स फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस बाय स्कैनिंग. अभी इनपुट स्कैन में क्या होता है, पीएलसी क्या करता है, चेक करता है जो भी अपने इनपुट्स है वो चेक करता है वेरियस इनपुट डिवाइसेस से उसकी स्कैनिंग करके. ओके, इन दिस पीएलसी रीड द इनपुट वैल्यूज फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स. इसमें क्या होता है, पीएलसी क्या करता है, जो भी इनपुट वैल्यूज है उसको रीड करता है इनपुट टर्मिनल्स से एंड ट्रांसफर इट इनटू द इनपुट डेटा मेमोरी. ओके, और उसके बाद में क्या करता है, रीड करने के बाद वो डेटा मेमोरी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मींस एग्जीक्यूशन के पहले, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले वो क्या कर देता है, जो भी हम लोगों ने इनपुट वैल्यूज क्या किए है, रीड किए है फ्रॉम इनपुट टर्मिनल से, उसको ट्रांसफर कर देगा डेटा मेमोरी में. ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने से पहले. ये सब किस में होता है, इनपुट स्कैन में. ओके, स्टेटस ऑफ द इनपुट इज स्टोर्ड टिल नेक्स्ट स्कैन ऑफ द इनपुट. ओके, जो भी स्टेटस है इनपुट का वो स्टोर्ड रहता है जब तक अपनी नेक्स्ट स्कैन जो है वो स्टार्ट ना हो. ओके, नेक्स्ट है देखो प्रोग्राम स्कैन है. प्रोग्राम स्कैन में क्या होता है, देखो सीपीयू एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम लॉजिक. सीपीयू क्या करता है, जो भी प्रोग्राम लॉजिक है अपना वो एग्जीक्यूट्स करता है प्रोग्राम स्कैन में. द यूजर लैडर प्रोग्राम इज स्कैन
rug by rug, left to right. ओके, तो यूजर लैडर प्रोग्राम जो है, अपना प्रोग्राम जो है वो स्कैन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसमें? प्रोग्राम स्कैन में. ओके, उसको ही हम लोग पीएलसी में क्या बोलते हैं, रग बाय रग, दैट इज द लेफ्ट टू राइट. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द प्रोग्राम एलिमेंट्स कैन ओनली बी एग्जामाइंस वन एट ए टाइम इन अ फिक्स सीक्वेंस. इसमें और क्या होता है, जो भी प्रोग्राम एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एग्जामाइन होते हैं. ओके, वन बाय वन एट फिक्स सीक्वेंस में. ओके, आफ्टर दैट वी सी द लास्ट स्कैन. ओके, सी द लास्ट स्कैन, इट इज द आउटपुट स्कैन. ओके, इसमें क्या होता है वो देखेंगे. द आउटपुट अपडेट्स टेक्स प्लेस आफ्टर द डेट आफ्टर द प्रोग्राम लॉजिक ऑपरेशन. ओके, इसमें आउटपुट स्कैन में का क्या होगा, जो भी अपना आउटपुट अपडेट है वो प्रोग्राम लॉजिक ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा. इज कंप्लीटेड मीन्स द आउटपुट अपडेट टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रोग्राम लॉजिक ऑपरेशन इज कंप्लीटेड. जब अपना प्रोग्राम लॉजिक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो जो आउटपुट अपडेट है वो अपने को मिल जाएगा. ओके, द आउटपुट डेटा इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द आउटपुट मॉड्यूल टर्मिनल. इसमें क्या होता है, जो भी आउटपुट अपना डेटा इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है अपने आउटपुट मॉड्यूल टर्मिनल्स में. ओके, द बेस्ड ऑन द सिग्नल्स आउटपुट मॉड्यूल ड्राइव्स द आउटपुट डिवाइसेस. जो भी सिग्नल्स पे क्या है, अपने आउटपुट मॉड्यूल बेस्ड है, वो किससे स्टार्ट होते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस से क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये सब जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन है ऑपरेटिंग साइकिल का. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार जो है एग्जाम में आता है वैसे. ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी एंड. थैंक यू.